सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। छोटी से छोटी बुराई को भी अपने पास न आने दी, क्योंकि अन्य बुराइयाँ सुनिश्चित रूप से इसके पीछे पीछे आती है। आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपको तुच्छ होने का एहसास नहीं करवा सकता। अपने खराब आदतों पर जीत हासिल करने की समान जीवन में कोई और आनंद नहीं हो सकता। अभी भी आपके आसपास जो सुंदरता बची है उसके बारे में सोचिए और खुश रहिए। आज का पंचांग 26 नवंबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:53 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 2:05 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आप सभी को मणिकर्णिका स्नान और देव दिवाली की शुभकामनाएं। मेष राशि 26 नवंबर 2023 दिन रविवार, रैंक या पद में हुए बदलाव से यात्रा का मौका मिलेगा। शिक्षक या सलाहकार भी इस यात्रा में आपके साथ जुड़ सकता है। इस पल का पूरा उपयोग करें और जीवन के बारे में अपने विचारों को बदलें। चोरी या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचने के लिए यात्रा करते समय सावधान रहें। आप हमेशा विभिन्न प्रस्तावों के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करने के बाद सही फैसला लेते हैं। पूरे महीने के खर्च के बारे में विचार कर सकते हैं। बिना जरूरी चीजों को ना खरीदें। एक सफल और असफल मनुष्य के बीच में ना तो सामर्थ्य का अंतर है और न ही ज्ञान का, बल्कि अभाव है तो सिर्फ इच्छा शक्ति का। आप घर और बाहर दोनों जगह तालमेल बनाने में कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित वसीयत जैसी मामले किसी की मध्यस्थता से हल हो सकती हैं। घर में धार्मिक कार्य के आयोजन में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। विद्यार्थियों के अपने किसी सब्जेक्ट को लेकर चल रही समस्या का निवारण होगा। जिम्मेदारियां सही ढंग से निभाने की कोशिश करनी होगी। पारिवारिक बातों में आप उलझे रहेंगे, परिवार से जुड़ी किसी समस्या का समाधान होगा। हर एक व्यक्ति के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने से पहले नियमों की चर्चा क्लाइंट के साथ जरूर करें। रिलेशनशिप से जुड़ी हुई परेशानी को दूर करने के लिए पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होगा। सावधानियां, यह ध्यान रखें कि आपकी कोई योजना सार्वजनिक हो सकती है जिससे नुकसान होने की आशंका है और आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। वाहन या किसी वस्तु के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। अगर किसी यात्रा पर जा रही है तो अपने सामान को चेक कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। भावुकता पर नियंत्रण रखें और रोमांटिक जीवन में बदलाव के बारे में सोचें। किसी से प्यार है तो आज का दिन इसे व्यक्त करने के लिए शुभ है। आज आर्थिक मामलों में व्यस्त होने के कारण आपको अपने निजी जीवन के लिए समय कम मिल सकता है। बिना कहे भी एक दूसरे की बात समझ जाना भी प्यार की ही निशानी है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। याद रखें किसी भी रिश्ते में यौन आकर्षण होना जरूरी है, किंतु इससे रिश्ता अटूट रहे यह आवश्यक नहीं। बात करते हैं करियर की। पिता की तरह का कोई व्यक्ति या आपके अधिकारी या आपके कौशल को पहचानते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसीलिए कुछ समय अभी इंतजार करें। जल्दी ही विदेश यात्रा भी कर सकती हैं। शिक्षक का साथ कानूनी मामलों को हल करने में मददगार है। आज आप अपना पूरा समय धन अर्जित करने के अवसरों को ढूंढने में लगाएंगे। व्यापार या नौकरी में आपके सहकर्मी आपसे पूरे प्रभावित हैं और आपका साथ देंगे। एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय या अपनी परियोजनाओं के लिए नए ग्राहकों को चुनते समय सतर्क रहें, फ्लेक्सिबल बनें और समय के साथ साथ अपनी योजनाओं को भी संशोधित करें। बात करते हैं सेहत की।
उचित बना रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और लापरवाही करना भी ठीक नहीं है। इस रीटे के कारण तकलीफ भी हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आज जब गरीबों को गुड़ या दूध से बनी चीजें या चावल या फिर वस्त्र का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।